पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंध के हिस्से का पानी चोरी हो रहा है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत कम वसाइल के बावजूद मंसूबे मुकम्मल कर रही है। सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने सबसे ज्यादा लाइनिंग किया है, हजारों किलोमीटर का लाइनिंग किया है जिससे पानी का बचत हुआ है। हमने मुल्क भर में सबसे ज्यादा रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स सिंध में लगाए हैं ताकि हम अपना अंडरग्राउंड पानी का फायदा उठा सके। वहाँ के जो मुश्किलात हैं उनको भी हम उनका मुकाबला भी कर रहे हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट्स इस्लामकोट और मिट्टी में से लेके दूसरे इलाकों के लिए हम बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि वहाँ के आवाम को हम पानी दिलवा सके। आज तक विफाक की जानिब से एक रिबन कटिंग तकरीब सिंध में नहीं हुई। विफाक ने गालम गलोच और तकरीरों के अलावा एक मंसूबा भी आवाम के लिए शुरू नहीं किया। पीटीआई और नून लीग की मौजूदा पॉलिसी में कोई फर्क नहीं। इन ख्यालात के इजहार उन्होंने धाबीजी पंपिंग हाउस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। वज़ीर आज़म साहब ने हमारा सूबा के साथ पूरे मुल्क के साथ इतने वादे किए थे, लेकिन आज तक एक रिबन कटिंग सेरेमनी मेरा सूबा में नहीं हुआ है। आज तक वफाक की तरफ से एक पत्थर नहीं लगा है। एक साल से ज्यादा ये हुकूमत किस भी तरीके से ये हुकूमत चल रहा है, लेकिन एक काम नहीं हुआ है। तकरीरें, बयानात, गालम गलोच, इल्जामात के बजाय एक मंसूबा, एक तरक्याती मंसूबा हमारे अवाम के लिए, हमारे सूबा के लिए नहीं शुरू किया गया है जिसका हम मज़ाहमत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत पानी का मसला हल करने की कोशिश कर रही है। पूरे सूबे में पानी का मसला एक दिन में हल नहीं कर सकते। विफाक से मुतालबा है जो वादा किए वो पूरे करे। हम एक दिन में पूरा सूबा का जो पानी का मसला है वो तो हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका सिंध हुकूमत, आवाम का सिंध हुकूमत मेहनत कर रही है कि हमारा जो प्रायोरिटी हो वो पानी का मसला हल किया जाए। और आज जो तारीखी मंसूबा सिंध हुकूमत ने इफ्तिताह किया है और हम 100 मेगा एमजीडी का इजाफा कर रहे हैं धाबीजी की प्रोडक्टिविटी से, और अब 500 एमजीडी जो है वो इस पंपिंग स्टेशन से आवाम तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आवाम दुश्मन हुकूमत से आवाम को हुकूमत दिलाना होगा। ताकत का सरचश्मा आवाम है, ये मानना पड़ेगा वरना घर जाना पड़ेगा। खान साहब ने वजीर आजम सेलेक्ट होने के बाद कराची पहुंचा और वहाँ कराची के आवाम से वादा किया था कि वो डीसैलिनेशन के मसूबे कराएंगे। आज तक एक रुपया नहीं दिलवाया है हमें डीसैलिनेशन के मंसूबे के लिए। आपका अवामी सिंध हुकूमत खुद मेहनत कर रही है। वफाक ने वादा किया था कि कराची का K4 के मंसूबा के लिए वो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, उल्टा वो उसको भी सैबोटाज कर रहे हैं। ये हुकूमत हर तरफ से गरीब अवाम के लिए अजाब बनी हुई है। आटे का बहरान सबके सामने है। एक साल से अपने अवाम को वार्न कर रहा हूँ कि इनका मुआशी पॉलिसीज में और नून लीग के मुआशी पॉलिसीज में इतना फर्क नहीं है। ये अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन मुआशी पॉलिसीज लेके चल रहे हैं। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है, और ये नालायक ना अहल वफाकी हुकूमत हमें बांट रहे हैं, हमें डिवाइड कर रहा है, दो पाकिस्तान बना रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि पंजाब का IG ऐसे तब्दील हो जाता है? पंजाब का IG चीफ वजीर आला को पता ही नहीं होता है और चेंज हो जाता है, लेकिन जब सिंध की बात आता है तो यहां कोई अलग कानून है। क्या आज तक सिंध एक कॉलोनी है कि हमें हर दूसरी तरफ को देखना पड़ता है, किसी और का हुक्म मानना पड़ता है अपना काम करने के लिए? इस मौके पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ये मंसूबा 1.4 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ है। इस पंपिंग हाउस में 4 नए पंप्स नस्ब किए गए हैं। कराची को पानी की अशद जरूरत है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इस वक्त इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के बाद तकरीबन 600 MGD पानी हम मुहैया कर सकेंगे। 500 MGD इस कॉम्प्लेक्स से जहाँ पे हम खड़े हैं, और 100 MGD तकरीबन जो हब से आता है, लेकिन हब का भी तो पूरा नहीं आता है, एलोकेशन 100 की है। बहुत ज़्यादा पानी बीच में ज़ाया हो जाता है, उसके लिए हम स्कीम बना रहे हैं। इधर जो 65 MGD है उसको एक्सपेंड करके हमें वर्ल्ड बैंक को जो 1.6 अरब डॉलर की
हमें मिली हुई है सपोर्ट, उसका फेज वन तो शुरू हो गया। मुराद अली शाह ने कहा कि पुराने पंपिंग स्टेशन 1959 में तामीर किए गए थे जो कि अभी तक काम कर रहे हैं और इनकी गुंजाइश में काफी हद तक कमी आ चुकी है। मशीनरी आई है जर्मनी से, प्लानिंग इसकी कुछ इधर कुछ लंदन इंग्लैंड में हुई है तब जाके, और ये कॉम्प्लेक्स अगर आप पूरा देखेंगे इस जगह से, मेरे ख्याल ये दुनिया का बड़े प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सेस में से एक होगा कि एक ही जगह से तकरीबन 550 MGD पानी सप्लाई होता है। मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया में इसके टक्कर के शायद कोई हो किसी जगह पे तो हो, लेकिन एक ही जगह से इतना ज़्यादा पानी मुहैया होना, वाटर बोर्ड इधर से कर रही है और वाटर बोर्ड को अब ये ज़रूरत है कि जो इनके एसेट्स हैं इनको फुली प्रॉपरली अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम दूर करने के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत हफसोर से पानी लाने के लिए इसकी कैनाल की इम्प्रूवमेंट का काम शुरू कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हब कैनाल की इम्प्रूवमेंट से 30% पानी के लाइन लॉसेस खत्म हो जाएंगे जो कि कराची के जिला बस्ती में पानी की कमी को पूरा करने के लिए अहम साबित होगा। वो जो उनको शौक है उनको अगर शौक पूरा करने इधर आ जाए, हम आपको इफ्तिताह करा देते हैं, इसलिए उधर उनसे कोई काम नहीं हो रहा। मैं दावत देता हूँ आए इधर आके इफ्तिताह करें प्रोजेक्ट्स के जो सिंध हुकूमत कर रही है, इसलिए हमारे पास चेयरमैन साहब के पास टाइम नहीं है इतने प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने का, वो बिजी रहते हैं, तो अगर उन्हें इफ्तिताह करने का इतना ही शौक है वो भी आ जाए आके इफ्तिताह कर लें हमारे सिंध के प्रोजेक्ट्स।